हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल अखिल एकेडमी में। और आज की क्लास में जो मैं चीज़ लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी हाँ, आज क्लास बहुत फाड़ू होने वाली है, क्योंकि आज जो चीज़ मैं लेके आया हूँ वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और इसमें बहुत से बच्चों की कन्फ्यूजन भी रहता है। क्यों? क्योंकि वो तुक्का मारते हैं, सब इनको नंबरों को फिल करके देखेंगे कि हाँ ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, समय ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आज जो मैं इसमें बताऊंगा वो ऐसी चीज़ बता दूंगा आपको कि जो कभी नहीं भूलेगी और कभी सवाल गलत नहीं होगा। कम समय में आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जो लोग पहली बार चैनल को सब फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल अकेला एकेडमी में मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाइए, उनको देखिए। बहुत सी फनी वीडियो हैं, बहुत सी ट्रिकी मैथ की वीडियो हैं। आप लोगों के लिए बहुत कुछ इस चैनल पे है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की और भी मैं वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा, कहीं आपकी ये वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज का मतलब क्या है कि जो ये अल्फाबेट लिखे होते हैं आपके, ये रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है। और इसी पर ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। SSC, बैंकिंग SSC, कुछ भी ले लीजिए, सबके सब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जैसे कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ने की बात करेंगे। जी हाँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है सर, जरा वो बता दीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले इसको आप लोग काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोई 12 होंगे तो कोई 15, कोई 16, कोई 20, इसी टाइप के ही आपके दिए रहेंगे। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, आपके 7 क्वेश्चन हैं, सातों के साथ डिस्कस करूंगा। इन 7 में 7 प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि ये 7 आपने अच्छे से समझ लिए, अच्छे से सीख लिए, अच्छे से नोट्स बना लिए, तो इस तरह के आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। आई विल मेक यू श्योर कि ये क्वेश्चन अभी भी कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कहीं भी इस सीरीज जो दी हुई है, यदि यहाँ पे कहीं 12 नंबर हैं, 12 अल्फाबेट आते हैं, तो 12 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पेयर बनाते हैं, मतलब इसको ना हम लोग युग्म बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यदि 12 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 × 4, मतलब तीन तीन अल्फाबेट लेंगे, उसके 4 पेयर बन जाएंगे। यदि टोटल 12 है तो हम तीन तीन के कितने पेयर बन जाएंगे, 4। तो देखो 4 × 3 = 12, 12 अल्फाबेट आ गए। या मैं ये भी तो कर सकता हूँ, 4 × 4 = 3 बना लूँ। हाँ सर, ये तो हो सकता है। तो यदि कहीं 12 हो तो आपको यही इन्हीं दो को सोचना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप कहोगे सर 2 × 6 भी तो हो सकता है, या 6 × 2 भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं हम लिखते, हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि इतना छोटा इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा 3, 4 या फिर 4, 3 के बारे में सोचना है। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि कहीं भी हमारे पास 15 आ जाए, तो 15 के लिए क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, तो 3 × 5 करो, या फिर 5 × 3 करो। इनके तीन तीन के 5 पेयर बन जाएंगे, या 5 × 5 = 3 ही पेयर बन पाएंगे। अच्छा, यदि कहीं 16 आ जाए, तो 16 तो एक ही होता है दोस्तों, 4 × 4, 4 × 16, 4 × 4 = 4 पेयर आप लोग बना दीजिए, फटाफट काम हो जाएगा। इसके बाद यदि कहीं 20 दिया हो, तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, 4 × 5 या फिर 5 × 4, इन्हीं के पेयर आप लोगों को बनाना है, इसके अलावा आपको पेयर नहीं बनाना है, ठीक है दोस्तों। और ये ध्यान दीजिएगा, इन पेयर में भी जो फर्स्ट मैंने लिख रखे हैं ना, कौन से जो ये लिख रखे हैं, ये वाले, इनमें से यही ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से कौन से आते हैं, ये वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं को हम लोग ज्यादा पेयर बनाते हैं। बाय द वे, इनसे ना हो पाए तब हम ये वाला पेयर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, इन सबको समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, ये कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट डाल लेते जाइएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहीं आपको मिलेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लेके आता हूँ जिसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि आपको ये सीरीज लिखी हुई है तो इससे पहले आप लोग गिनना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा सर 12 है, 12 में यहाँ पे आइए, 12 में यहाँ पे क्या है, तीन तीन के 4 पेयर बनाना है। अच्छा सर ने तो यही बताया है, 3 लो, 1, 2, 3 ये कट दिया, 1, 2, 3 ये कर दिया, 1, 2, 3 ये कर दिया, 1, 2, 3, 4, तीन तीन के 4 पेयर बन गए। हाँ बन गए। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग देखिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए,
पहले वाले को दूसरे वाले से तुलना करो। अच्छा कैसे तुलना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुलना करने में क्या करते हैं कि देखिए ये पहला स्थान दूसरा तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा। अब यार देखिए यहाँ पे कि तीसरे वाले में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सी है, अच्छा बीच में बी है, यहाँ पर भी बी है, तो ये दोनों को मिल रहे हैं। अच्छा मतलब इसकी इससे तुलना हो जाएगी, जब तुलना होगी तो जैसा ये है वैसे ही आपको ये भी बनाना है। तो ये ऐसे कब बनेगा, जब यहाँ पे मैं पहले वाले का ए कर दूँ, हाँ सर, और इसके लास्ट में कुछ नहीं है तो लास्ट में इसमें सी है तो मैं सी कर दूँ। अब देखिए ये ए बी सी, ये भी ए बी सी हो गया ना, तो कंपेयर हम लोग ऐसे करते हैं। कंपेयर का मतलब है कि जैसा ये है वैसा ही हम इसको बनाते हैं, और तुलना तभी होगी जब कोई अल्फाबेट मिल जाए। ये सेकंड में बी है तो ये भी सेकंड में बी है, इसलिए इसकी तुलना हो गई। चलिए अब कोई नहीं, अब इनकी तुलना कर लीजिए, इनकी तुलना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले में ए, अच्छा दूसरे में यहाँ पे बी है तो यहाँ पे आप बी कर दीजिए, ठीक है ये कर दिया आपने। अब ये भी तीसरा भी खाली, ये भी तीसरा खाली, तो अब आप इनकी मदद ले लीजिए, ठीक है। जो आगे आप लोग पेयर बनाते आ रहे हैं वो कैसे, यहाँ पर लास्ट में सी है तो यहाँ पर भी आप सी कर दीजिए, यहाँ पर भी आप लोग सी कर दीजिए। देखिए अब जो ऑप्शन में होगा वो ऐसे दिया होगा, सी फिर इसका ए फिर इसका बी फिर सी, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा आपका, तो इस बार वो टिक कर देंगे। तो जो खाली स्थान होते हैं उसमें कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे वो इस पे क्वेश्चन आधारित होते हैं, उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, जिस नंबर पे उसको आप टिक कर दीजिएगा। है दोस्तों सिंपल, मतलब एक पैटर्न बनता है इसमें, एक पुनरावृत्ति होती है। देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो ऐसे करेंगे। तो तीन तीन के आप लोग चार पेयर बनाइए, यदि किसी ने क्या किया कि चार चार के तीन पेयर बना दिए तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका बनाया करिए, यदि इससे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो इससे करेंगे, बताऊंगा कैसे आगे क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट था, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर टू की बात कर लेता हूँ। टू में क्या लिखा है सर, टू में है एच ई जी, फिर यहाँ पे एफ ई जी एच, फिर ई जी एच एफ ई, फिर ये। अच्छा सबसे पहले क्या काम था, गिनना है फटाफट, मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए समय लगता है, आप लोग करेंगे ना फटाफट हो जाएगा, 5-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, फटा आगे बढ़ो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सर 16 है। अच्छा 16 के लिए अखिल सर ने बताया था कि चार चार के चार, चार चौको 16, तो कहाँ है चार, 1 2 3 4 ये रहा, 1 2 3 4 ये रहा, 1 2 3 4 ये रहा, देखो चार बज गए, तो चार चार के चार पेयर बन गए, हाँ अब तो बन गए सर। चलो कंपेयर करना शुरू करो, इससे कंपेयर करो पहले, जब इससे कंपेयर करेंगे, अच्छा देखो चेक कर लो, कंपेयर तभी होगा जब कुछ अल्फाबेट मिल जाए उसी जगह पर। देखो लास्ट में जी, लास्ट में जी, बहुत बढ़िया, फिर थर्ड में ई, थर्ड में ई मिल रहा है सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इसके बाद ई के बाद एफ है, लेकिन यहाँ पे खाली स्थान है, और यहाँ पे पहला खाली, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों कंपेयर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ई जी और ई जी मिल गए हैं। तो अब बताओ ई के पहले यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ कर लो आप, अब इसका सेकंड भर गया, अब इसका फर्स्ट खाली तो यहाँ पे एच है तो यहाँ पे आप लोग एच कर लो। चलो ये लो भर गए, ये भर गए एच एफ ई जी एच एफ ई जी, अच्छा ये पैटर्न हमको मिल गया। अब आपको फटाफट ये भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप तुलना कर लीजिए, इनकी तुलना करिए, हाँ अच्छा करते हैं, पहले में एच है दूसरे में एच है, ठीक है, अच्छा दूसरा खाली दूसरा यहाँ पे भरा है, तीसरे में ई, यहाँ पे तीसरे में ई, हाँ तुलना हो जाएगी सर, तो चेक कर लो, बताओ यहाँ पे दूसरा खाली दूसरे में एफ है तो यहाँ पे आप एफ कर लो, अब लास्ट में खाली जी तो यहाँ पे जी कर लो, चेक कर लो, देखिए ऑप्शन में कैसे आपको टिक करना होगा, एफ फिर यहाँ पे एच फिर यहाँ पे एफ फिर यहाँ पे जी, ये ऑप्शन को आप लोग टिक करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। देख लीजिए पैटर्न क्या बनना है, सही बनना है पैटर्न, एच एफ ई जी एच एफ ई जी एच एफ ई जी एच एफ ई जी, हाँ सर ये बढ़िया बना, ठीक है। यदि 16 आते हैं तो आपको चार चार के चार पेयर करने हैं, यदि 12 आते हो तो तीन तीन के चार पेयर करने हैं, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप लोग पहले तुक्का मारते रहे होंगे, चलो पहले तीन को कर ले, पहले यहाँ पे ये कर दे वहाँ पे वो कर दे, टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें कम टाइम में एग्जैक्ट क्वेश्चन राइट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। जी हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या है हमारे पास, ये है एल एम ओ एन एम स्पेस एल स्पेस एन डबल स्पेस एन एम ओ। चलिए फटाफट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अच्छा सर 16, 16 में क्या बताया था मैंने, चार चार के चार पेयर आ जाइए, 1 2 3 4 ये, 1 2 3 4 ये, 1 2 3 4 ये, 1 2 3 4 ये हुआ। अजलिए आइए कब फटाफट इसमें क्या करें, तुलना करिए, इसकी इसमें तुलना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शुरुआत में L है, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है सर,
हाँ ठीक है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पर भी ओ नहीं है, लेकिन सेकंड में एम, यहाँ पे एन है। अरे इसकी तुलना नहीं हो पाएगी, इसकी तुलना क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अब इसकी तुलना इससे कर लीजिए, हाँ पहले में एल, यहाँ पे एल, हाँ सर ये कुछ बन सकता है। अब यहाँ पे जो खाली है यहाँ पर भी है, बाकी जो बीच में वहाँ पे एन है, तो पहला पहला मिला, इसकी तुलना हो सकती है। तो जैसा ये है वैसा इसको बनाने की कोशिश करिए। तो बताइए यहाँ पे सेकंड में क्या है, एम, चलिए मैं सेकंड में यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एम कर दिया। लास्ट में ओ है तो मैंने लास्ट में यहाँ पे ओ कर दिया। अब यहाँ पे थर्ड खाली है तो थर्ड में एन है यहाँ, तो मैंने यहाँ पे एन कर दिया। ठीक है, इनकी ये दोनों बॉक्स भर गए। अब हम इनकी तुलना कर लेते हैं, इनकी तुलना कर लीजिए, एक आपने जंप किया तो यहाँ भी जंप कर जाइए। अब देखिए बीच में क्या है, एन एम, और यहाँ पे बीच में क्या है, एन एम, हाँ ये देखो एन एम एन एम मिल गए। अब एम के बाद यहाँ पे क्या है, ओ, तो यहाँ पे आप ओ भर दीजिए। अब इसका भी पहला खाली, इसका भी पहला खाली, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब आप इनको देख लीजिए, तो इनमें सबसे पहले क्या लिखा है, एल लिखा है, या फिर ऐसा सोच लीजिए यहाँ पे चार ही है, एल एम एन ओ है, तो जब यहाँ पे तीन भर चुके तो क्या बचा है, एल ही तो बचा, तो अब यहाँ पे एल कर दीजिए, यहाँ पर भी एल कर दीजिए। अब देखिए क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, यहाँ पे एन एल ओ एम ओ एल, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए एल एम एन ओ, एल एन एम ओ, फिर एल एम, मतलब जो चीज ये है ये चीज वही फिर से रिपीट हो रही है, ये देखिए। अब यहाँ पे हो सकता है कभी कभी कि पूरा पेयर में रिपीट ना हो, तो आपका दो दो पेयर में रिपीट हो सकता है वो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो यदि आपका सिंगल सिंगल रिपीट नहीं हो रहा है तो डबल डबल रिपीट कर सकते हैं आप लोग, क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में आता हूँ, वो भी 4 में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाएगा। 4 में आ जाइए, 4 क्या है, ए बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश सी सी, चलिए काउंट करें फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है सर, तो 15 में मैंने क्या बताया था पहले, 3 3 के 5, अच्छा 3 के 5 करना है सर, 3 ये हुआ 3 ये हुआ 3 ये फिर 3 ये बन गए। कंपेयर करें क्या, हाँ सर कंपेयर करना शुरू करिए। अब बताइए इससे कंपेयर करें, यहाँ पे पहले में ए है कुछ नहीं है, लास्ट में बी, यहाँ पे नहीं हो रहा कंपेयर, अच्छा इसका इससे कंपेयर करिए, बीचों बीच बी है बाकी खाली है, इससे भी कंपेयर नहीं हो रहा है, इसको इससे कंपेयर करिए, लास्ट में ए है यहाँ पे लास्ट में बी है, इससे भी कंपेयर नहीं हो रहा है, और इसको इससे कंपेयर कर लीजिए जरा, लास्ट में बी लास्ट में सी, अरे इससे भी नहीं हो रहा सर। अब क्या करें, यदि ऐसा केस कहीं बनता कि कंपेयर ही नहीं हो पा रहा है, तो तब हम आपको क्या करेंगे कि 3 3 के 5 पेयर नहीं बनना है तो 5 5 के 3 बना लो बच्चा पार्टी, हाँ अच्छा सर। तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश सी सी, हो गए। अब मैं 5 5 के 3 पेयर बना रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 ये, 1 2 3 4 5 ये, 1 2 3 4 5 ये, देखिए बन गए 5 5 के 3 पेयर बन गए। अब मैं क्या करूँ, कंपेयर कर लीजिए, इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, जब कंपेयर करूंगा मैं, देखिए पहले में ए पहले में, अरे सर काम बन रहा है, लास्ट में सी, अरे सर बीच में बी सर, यहाँ तो बढ़िया काम बन गया हमारा, लेकिन जैसा ये है वैसा तो ये भी है ना, अब हम इसमें क्या फिल कर पाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर कर लो, चलो फिर इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे सेकंड में दो, लास्ट में सी, हाँ मिल रहा है काम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इस सी के पहले क्या है, सी, तो इस सी के पहले हम लोग यहाँ पे सी कर देंगे, अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे खाली है लेकिन ये भरा हुआ है, तो इसको यहाँ पे आप बी कर दीजिए, ठीक है इसको हम लोग क्या कर दे, बी कर दे, फिर यहाँ पे ये भरा लेकिन ये खाली है, तो यहाँ पे इसको आप ए कर दीजिए, यहाँ पे ये भरा लेकिन ये खाली है, तो यहाँ पे आप ए कर दीजिए, ठीक है। अब जैसा ये है वैसे इसको बना दीजिए क्योंकि सेम तो है ये, फिर यहाँ पे आप ए कर दीजिए, फिर इसको यहाँ पे सी कर दीजिए, देखिए पैटर्न क्या क्या है, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी, हो गया काम दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ए सी ए बी, ये ऑप्शन को आप लोग टिक करके आना होगा, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा पेयर नहीं बन पाता, 3 3 के 5 नहीं काम करते हैं, तो 5 5 के 3 काम कर जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अभी आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी एक अच्छी ट्रिक पर है, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ऐसी जो मैंने ट्रिक बताई है, ऐसी ट्रिक से कभी क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आते हैं अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, तीन क्वेश्चन और करना है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जी हाँ, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लेके आता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, बात कर लेते हैं 5। तो 5 में क्या था, देखिए ये है बी डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी डैश सी ए, ये दिया हुआ है। क्या पहला काम गिनना है, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 है सर। तो 15 में मैंने क्या बताया था, तीन तीन के पांच पेयर करना है, तीन तीन के पांच बनाने हैं। अच्छा आ जाओ सर, तीन के ये तीन का हो गया, ये तीन का हो गया, ये तीन का, ये तीन का, ये हो गया, क्लियर। अच्छा अब से चेक करो इससे इससे कंपेयर हो सकता है क्या, लास्ट में सी लास्ट में नहीं हुआ, इससे कंपेयर लास्ट में बी नहीं हुआ, इससे कंपेयर करो लास्ट में सी सी तो है लेकिन पहले में ये ए है, यहाँ पे खाली यहाँ भरा, इससे कंपेयर नहीं हो सकता है, इसके इससे कंपेयर करो लास्ट में इससे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे यदि लास्ट में देखो जो खाली है ये भरा हो और कोई भी मैच ना कर रहा हो तो भी कंपेयर नहीं हो पाता, इसलिए इससे कंपेयर नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद 15 है तो आप 5, 5 के 3 बना के देख लीजिए, तो इसको जब आप 5, 5 के भी 3 बनाएंगे ना तो भी कोई कंपेयर नहीं हो पाएगा। चाहिए चाहे तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। चलिए डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी डैश सी ए, ये मैंने कर दिया। अब एक ये तो मैं, ये किसका था आपका, ये तीन तीन के पांच थे, ये नहीं हो पाया। अब 5, 5 के मैं 3 बना रहा हूँ, चलिए 1, 2, 3, 4, 5 ये हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कंपेयर करेंगे, इसके कंपेयर करो लास्ट में सी लास्ट में ए खत्म, इसका इससे कंपेयर करो लास्ट में सी लास्ट में, अरे सर ये भी नहीं हो पाया। तो मतलब यहाँ पे 5, 5 के 3 से भी नहीं हुआ। अरे सर तो आपने 15 के 2 ही तो तरीके बताए हैं, तीन तीन के पांच या 5, 5 के 3, अब दोनों से नहीं हो पा रहा है तब क्या करें। अब यदि ऐसा होता है तो आपको क्या सोचना है, सर्किल वाला रिपीटिशन। अच्छा ये क्या बला होती है सर, ये बला बता रहा हूँ, डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी ए डैश सी डैश सी ए, ये बला ये होती है कि इसको आप लोग क्या एक सर्किल में सोचा करो, यदि यहाँ पे मैं ए कर दूँ, यहाँ पे बी कर दूँ, यहाँ पे मैं सी कर दूँ, तो एक क्रम में सोचो, तो क्रम में आप क्या आएंगे, पहले ए बी सी आएगा, फिर ए को छोड़ो फिर क्या आ जाएगा, बी सी ए आ जाएगा, फिर बी को छोड़ो फिर क्या आ जाएगा, सी ए बी आ जाएगा, फिर ऐसे रिपीट होते रहेंगे। तो ये चक्रीय क्रम में भी तो आ सकते हैं। अच्छा जब सारे हथियार काम ना करे तब क्या सोचोगे आप लोग, चक्री। मैं यहाँ पे आपको क्रम से बता रहा हूँ कि सवाल कहीं भी गलत हो ही नहीं पाएगा। आप देखिए यहाँ पे तो क्या करें आप लोग, तीन तीन के पांच पेयर बनाइए। अच्छा तीन तीन के पांच, तो ये पहला तीन ये तीन ये तीन ये तीन ये बन गए। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा चक्री सोचना है क्या सर, हाँ पहले क्या आ जाएगा चक्री में, ए बी सी, तो ये लो ए बी सी, अब ए को छोड़ो फिर बी सी ए, अच्छा हाँ सर बी सी ए मिल गया, अब बी को जोड़ो फिर सी ए बी, हाँ सर सी ए बी मिल गया, फिर ए बी सी, फिर बी ए को छोड़ो फिर बी सी ए, अरे सर क्या मजा आ गई है। ठीक है, तो यदि कहीं भी पहला हथियार काम ना करे दूसरा भी काम ना करे तो तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या है आपका, पुनरावृत्ति वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बी सी बी बी, इसे आप लोग टिक करके आएंगे एग्जाम में, क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 कितना इंपॉर्टेंट है देखा ना आपने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जी हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ अखिल सर के द्वारा अखिल एकेडमी में ही बताए जाएंगे। इसे फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को सबको शेयर करना है, ध्यान देना। यदि किसी को मुझे मालूम पड़ा किसी ने वीडियो शेयर नहीं की है ना तो उसको बताऊंगा मैं। चलो फटाफट देख लो, यहाँ पे काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 सर, 3 के 4 बनाने हैं। अच्छा 3 का 1 ये बना, ये बना 3 का, ये बना ये 3 का। अब चेक करो इससे कंपेयर करेंगे ना, लास्ट में जी ई नहीं हुआ, इसमें इसमें नहीं होगा क्योंकि सेकंड में नहीं है, यहाँ पे इससे भी नहीं होगा। तो इसको जब आप देखेंगे ना तब 3, 3 के 3 × 4 से भी नहीं होगा, फिर 4 के 3 बनाना तो भी नहीं होगा। तब इसके बाद आप लोग क्या सोचेंगे, आप लोग यहाँ पे चक्रीय क्रम सोचेंगे, क्या सोचेंगे, चक्रीय क्रम।
ये है। तो ये तीन तरह होते हैं। अब चक्रीय क्रम में आ जाइए, यहाँ पे तीन ही चीज तो है, इसका पहले हम चक्र में बनाओ। हाँ इसका चक्र बनाइए सर, ये बन जाएगा ये, फिर यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है। तो क्या बन जाएगा, पहला पहले बन जाएगा ई एफ जी, फिर ई को हटा दो तो एफ जी ई, फिर एफ को हटा दो जी ई एफ, यही तो बनेंगे। हाँ सर बनेंगे। आ जाओ ई के बाद क्या आएगा, एफ, तो यहाँ पे एफ रख दो ई एफ जी, फिर यहाँ पे एफ, एफ के बाद जी आ जाएगा, यहाँ पे एफ जी है, क्या नहीं है यहाँ पे, ई नहीं है, यहाँ पे एफ ई है, यहाँ पे जी नहीं है। तो चक्रीय क्रम में आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप दो चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, जो नहीं है उसको यहाँ लिख दो और चेक कर लो। देखो ई एफ जी, एफ जी ई जी एफ जी ई एफ, ठीक है ऐसे हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एफ जी ई जी, इसको आप लोग टिक करके आएंगे। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसके बाद कोई क्वेश्चन आने ही नहीं है, भूल जाओ नहीं आना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत कुछ सिखाएगा। हाँ सब जो जब हम खाना खाते हैं ना, इससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक ले लिया, मेरी फोटो ले लिया करो साथ में। हाँ चलो, जब आप लोग खाना खाते हैं तो सबसे जो अच्छी चीज होती है खाने में उसको सबसे बाद में खाते हैं। खैर आप लोग क्या करते हो ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं तो यही करता हूँ। जब खाना मेरे पास आता है थाली में लग करके बढ़िया अच्छा सा, तो मैं सारी चीज खाता हूँ, लेकिन जो उसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो मैं सबसे बाद में खाता हूँ। इसीलिए इन पूरे सवालों में जो सबसे अच्छा सवाल था वो मैंने सबसे बाद में रखा है, ठीक है। और ये बहुत आप खाने में मजा भी आएगी, आसान भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 सर, क्या बड़े सारे एम एन लिखे हो आप लोग। चलो डैश है, फिर यहाँ पे एम एन है, फिर एम फिर एन है, फिर डैश लगाए यहाँ, फिर एम फिर एन है। अरे सर इसी में आप लोग एन एम में ही दिमाग खराब है हमारा। चलो कोई नहीं, समझ लो फटाफट हो जाएगा। कितने डैश खाली है यहाँ पे, यहाँ पे चार खाली है, 1 2 3 4, चार डैशों को भरना है आपको। अच्छा कितने गिनने क्या, एक बार गिन लो सर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16, अरे 16 ये है, पकड़ लो 16 को, चार चार के चार बनाना है, पूरे को चार पार्ट में चार तरह से काट डालो, जब काटोगे तो क्या जाएगा, 1 2 3 4 ये बना, 1 2 3 4 ये बना, 1 2 3 4 ये, चार चार के चार, ठीक है। चलो अब इनको फिल करना है। अब मैंने पहले बताया था कंपेयर करना है, इससे कंपेयर कर लो फटाफट दीजिए। जब आपने कंपेयर किया आप लास्ट में एम, यहाँ पे एम अच्छा, फिर एम अच्छा, फिर यहाँ पे एन अच्छा, एन हाँ सर काम हो सकता है यहाँ पे, तो दो दो तो मिल गए हमको। अच्छा जब इससे करेंगे तो भी एम, यहाँ पे लास्ट में एम एन एन, अरे सर ये भी बढ़िया काम हो रहा है, और फिर यहाँ पे इससे करेंगे तो एन एन, अरे सर ये तो बहुत आसान सवाल था। लेकिन क्या करना है, आप कंपेयर में टाइम ना वेस्ट करो, इसमें तो ध्यान दीजिए, जब आप इससे कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, तो आपने यहाँ पे एन कर दिया, क्लियर, ये पूरा भर गया। अब ये क्या बना, एन एन एम एम, ये भी एन एन एम एम, ये देखो अब ऐसे ही मिलते चले जाएंगे, एन एन अरे ये तो मिल रहा है, फिर यहाँ पे एम कर दो, अरे ये मिल रहा है तो ये कर दो। तो ऐसे जो होते हैं ये कभी कभी रिपीट वाले होते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, 5 6 क्वेश्चन में आपके चक्री वाले थे, तीन चीजें थे ए बी सी, वो चक्री में आते थे। अब इसमें तो कुछ चक्री में तो नहीं आ रहा ना, इसमें सिर्फ दो है, और दो के ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, दो को ही बार बार कई बार लिखे जा रहे हैं, कई बार लिखे जा रहे हैं, किसको, एन और एम को। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि जो दो चीज को कई बार रिपीट करते हैं, तो यहाँ पे दो दो बार रिपीट किया, कहीं कहीं तीन तीन बार करेंगे, कहीं दो फिर तीन फिर चार ऐसे रिपीट करेंगे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को किताबों में मिलेंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको माइंड में ये भी रखना है, यदि ऐसे रिपीट वाले भी क्वेश्चन होते हैं तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एन एन एम एम, इसे आप लोग सही करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पूर और ऑल आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ठीक है, इससे आप लोग सीखेंगे और ऐसे सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे। एसएससी में तो 101% तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पक्का है, श्योर है, ठीक है, और एक एक नंबर की लड़ाई होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पहले नहीं मालूम हुई होगी कि हम लोग पूरी सीरीज को कितने कैसे बांटे,
ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई, इसके बाद क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन किए, एक्सप्लेन करने में समय लगा, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब दोस्तों बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको टाइम कम लगेगा, उतने सवाल आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट लाइक कर बटन दबा दिया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी तो लिख दिया करें। अखिल सर इतना पसीना बहाते हैं, इतना समय देते हैं, सब चीज करते हैं, अखिल सर को कुछ नहीं मिलता, खाली कुछ तो दे दिया करो, क्योंकि बिना दक्षिणा के शिक्षा नहीं लेना चाहिए। यदि आपको अच्छे नंबर लाना है, सब चीज़ अच्छी करनी है, तो कुछ दक्षिणा, दक्षिणा का मतलब क्या, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपने भले के लिए कर लें, क्योंकि उनको सारी चीज़ों को आपको घर बैठे सब चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, मैं जल्दी लौटूंगा एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई ट्रिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।